दोस्तों नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो अहम तरीन फाइनेंस डिपार्टमेंट और डिवीज़न के लेटर आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। एक लेटर जो है वो सितंबर यानी आज ही फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जारी किया और दूसरा जो है वो अगस्त में जारी किया था, तो उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपके साथ जो मैं लेटर शेयर कर रहा हूँ वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का 4 सितंबर 2024 का, यानी आज ये लेटर जो है वो जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से। पिछले दिनों जो है वो विफाक ने मार्कअप रेट जो है वो जनरल प्रोविडेंट फंड के हवाले से 2023-24 का ऐलान किया था, उस हवाले से ये लेटर है उसको अडाप्ट करने के हवाले से 13.97% जो है वो पर एनम जो है वो उस पर इजाफा होगा 2023-24 के हवाले से। और ये इसकी जो कापी है वो तमाम अकाउंट जनरल और तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर्स को जो है वो जारी कर दी गई है। तो ये वो पहला लेटर है जो कि आपके साथ पंजाब के मुलाजमीन के हवाले से शेयर करना था। और अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की जानिब जो कि बहुत ही अहम है। ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है जिसका पहले आपको बताते रहे हैं कि इसके आमद है और बहुत सारे दोस्त इस पर यकीन भी नहीं कर रहे थे कि ये इतने अरसे से खबरें चल रही हैं लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये वो लेटर है, ये भी फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब पाकिस्तान की जानब से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो शुरू कर दी गई है। किन के लिए शुरू की गई है? ये नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन के लिए होगी। और इसमें ये भी बताया गया है कि 27/6/2024 को जो है वो काबीना ने इस हवाले से फ़ैसला किया था। और कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के हवाले से ये जो इसका इतलाक़ जो है वो सिविल एम्प्लॉज़ के साथ साथ जो है वो सिविल पेड डिफेंस एस्टिमेट वाले मुलाजमीन पर भी होगा, और जो कि रेगुलर होंगे 1/7/2024 को या उसके बाद जो है वो भर्ती होंगे तो उससे इसका इतलाक शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ जो आर्म फोर्सेस के हवाले से है उसमें भी उन्होंने बताया कि इनको इनका जो है वो 1/7/2025 से कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है वो शुरू की जाएगी। एक साल की रियायत दी गई है जो कि 1/7/2025 को अपॉइंट होंगे या उसके बाद जो है वो भर्ती होंगे तो उनके लिए ये स्कीम होगी। तो इसमें सरकारी मुलाजम जो है वो क्या कंट्रीब्यूट करेगा और हुकूमत क्या करेगी? तो 10% जो है वो बेसिक पे का जो सरकारी मुलाजम की तनख्वाह से हर महीने कटेगा और वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में चला जाएगा। और इसी तरह हुकूमत इसमें 20% बेसिक पे का जो है वो डालेगी और फिर ये थर्ड पार्टी को चला जाएगा और थर्ड पार्टी जो है वो फिर आखिर में जाके इन मुलाजमीन को जो है वो पेंशन के बेनिफिट जितने इनकी रकम कटौती होगी तो इनको यकमुश्त दे दिए जाएंगे या फिर पेंशन इनको जो है पेंशन दी जाया करेगी। तो ये वो लेटर था जो कि वफाक की जानब से जारी कर दिया गया है। आप जैसा कि जानते हैं इससे पहले ये सिस्टम लागू हो चुका है केपीके के हवाले से भी, और अब ये जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी जारी कर दिया है। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट। और इसके साथ एक छोटी सी खबर जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है उस हवाले से भी, 2 सितंबर 2024 को कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने जो है वो जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि वो सरकारी मुलाजमीन जो है वो रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करें और कोई भी ऐसी खुफिया दस्तावेज़ात जो है वो पब्लिक ना करें और ना ही ऐसी हेट स्पीच गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ या ओपिनियन जो है वो ना दें। तो ये लेटर भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी और आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।